भारतीय इंतखाबात में कांग्रेस इत्तेहाद ने मोदी सरकार के मैंडेट को बड़ा धचका दे दिया। कांग्रेस इत्तेहाद की बढ़तरी से भारतीय स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। भारत में लोकसभा के इंतखाबात में इब्तदाई रुझानात में मोदी की जमात बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट देखने में आया। भारत की 543 रुकनी पार्लियामेंट लोकसभा के इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। भारतीय लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 543 नशिस्तों में से 272 पर कामयाबी दरकार है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंतखाबात के नतीजे को देखते हुए इब्तदाई रुझानात में मोदी की जमात बीजेपी को बड़े अपसेट का सामना है। बीजेपी को 239 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल है और बीजेपी इत्तेहाद एनडी 294 नशिस्तों पर आगे है, जबकि कांग्रेसी इत्तेहाद इंडिया 234 नशिस्तों पर आगे है और इसके अलावा ओपोजिशन जमात कांग्रेस 97 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। एग्जिट पोल्स में मोदी के इत्तेहाद एनडीए की बड़ी कामयाबी की पेशगोई की थी, लेकिन बीजेपी के जेर क़यादत इत्तेहाद को भारी अक्सरियत मिलने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। सबसे ज़्यादा पार्लिमानी सीटों वाली रियासत उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान नज़र आ रहा है, जहां समाजवादी पार्टी ने 80 सीटों में से 37 सीटों पर सबकत हासिल कर रखी है। नाज़िम, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर तनाज़े की वजह से सुर्खियों में रहने वाले शहर अयोध्या में भी बीजेपी के उम्मीदवार पीछे हैं। अयोध्या के इंतखाबी हलके फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के उधेश कुमार मुसलसल आगे चल रहे हैं। अगरचे उनकी सबकत महज 4000 वोटों की है, लेकिन वो 3 लाख से ज़्यादा वोटों की गिनती के बाद भी अपने बीजेपी के हरीफ से 4690 वोटों से आगे हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा मेरिट इंतखाबी हलके में आगे हैं। वो बीजेपी के उम्मीदवार और अदाकार अरवन गोवल से 5783 वोटों से आगे है। भारतीय जनता पार्टी की मरकजी वजीर और अदाकारा स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट पर पीछे चल रही हैं। वो कांग्रेस की किशोरी लाल शर्मा से 39,000 वोटों से पीछे हैं। याद रहे कि स्मृति ईरानी ने सन 2019 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। ताहम इस बार कांग्रेस ने राहुल गांधी की जगह किशोरी लाल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी अपनी अपनी नशिस्तें जीतने के करीब हैं। गिनती किए गए वोटों में राहुल गांधी को अपने हरीफ पर 1,12,000 और मोदी को अपने मुखालिफ पर 34,000 वोटों की बढ़तरी मिल चुकी। भारत में इंतखाबात के नतीज का सिलसिला जारी है और साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के कातिल के बेटे सरबजीत सिंह खालिसन को बड़ी बढ़तरी हासिल है। भारतीय इलेक्शन कमीशन के सामने आने वाले नतीज के मुताबिक इंदिरा गांधी के कातिल के बेटे सरबजीत सिंह को फरीदकोट नशिस्त पर 48,000 वोटों से सबकत हासिल है। दिल्ली में कांग्रेस के हेडक्वार्टर में मौजूद पार्टी वर्कर्स आगाज में सामने आने वाले रुझानात पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, जो बज़ाहिर एग्जिट पोल्स की गई पेशगोइयों के बरक्स है। कांग्रेस और इनके इत्तेहादी जमातों ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उम्मीदवारों से बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखाई। अनासिन हैदराबाद लोकसभा सीट से ऑल इंडिया इत्तेहाद अल मुस्लिमीन AIMIM के सरबरा असदुद्दीन और अवैसी बीजेपी के उम्मीदवार से आगे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक असदुद्दीन अवैसी इस सीट से तकरीबन 7,000 वोटों से आगे है। अवैसी सन 2004 से हैदराबाद लोकसभा सीट से रुकन पार्लियामेंट हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के 12 मौला इंतखाबी हलके में साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला आज़ाद उम्मीदवार से 1 लाख से ज़्यादा वोटों से पीछे हैं। दूसरी जानिब अनंतनाग राजौरी से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार साबिक वज़ीर आला और PDP के रहनुमा महबूबा मुफ्ती से 2 लाख वोटों से आगे हैं। भारत में मोदी के मैंडेट में कमी के रुझान के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गए, जिसमें 4 साल के दौरान सबसे ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। और इसी के साथ भारतीय मीडिया के मुताबिक BSE इंडेक्स 4378 पॉइंट्स कमी के बाद 72,076 पॉइंट्स पर आ गया। और इसके अलावा सरकारी बैंकों, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स फर्मों के हिस्सों में गिरावट देखी गई है। भारतीय मीडिया का बताना है कि भारतीय रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में कम होकर 83.14 रुपए हो गई है।